बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब सैफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुअज्जा साज़ा इकराम, आप जानते हैं कि पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत पंजाब भर में स्कूल बेस असेसमेंट का आगाज हो चुका है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए मुख्तलिफ अथॉरिटीज जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट में जा रही हैं और स्कूल को विजिट कर रही हैं। मैं आपसे जो बात शेयर करना चाह रहा हूं कि जो मॉनिटरिंग टीम्स आ रही हैं उन्होंने जो चीज़ें चेक करनी होती हैं तो काइंडली अगर वो आपके पास अवेलेबल होंगी और आपने तैयारी की होगी तो आप उनको जो मॉनिटरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप प्रोवाइड कर सकेंगे। तो काइंडली आप नोट कर लें कि सबसे पहले तो आपने जो फाइल बनानी है सबसे पहले तो उसमें डेट शीट लगी होनी चाहिए। अगर आपके स्कूल ने डेट शीट बनाई है तो स्कूल की डेट शीट जो है वो प्रिंटेड उसमें लगी होनी चाहिए, और अगर डिस्ट्रिक्ट ने जारी की है डेट शीट तो वो उसमें लगी होनी चाहिए। या आपके स्कूल ने बनाई है या डिस्ट्रिक्ट ने आपको जारी की है तो वो डेट शीट उसमें बाकायदा तौर पर लगी होनी चाहिए। सबसे पहली बात जो आपसे पूछी जाएगी, जो मॉनिटरिंग पे अफसरान आएंगे वो आपसे डेट शीट मांगेंगे। दूसरी चीज के आपने तमाम क्लासेस के लिए अलग अलग जो है वो सब्जेक्ट वाइज आपने मास्टर फाइल बनानी है जिनमें आपने जो पेपर जनरेट किए हैं वो उसमें लगे होने चाहिए। तमाम क्लासेस की आपने सब्जेक्ट वाइज अलहदा से फाइल बनानी है। फर्ज करें कि अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो 8 सब्जेक्ट की अलहदा से फाइल बन जाएगी, और कोशिश ये कीजिएगा कि साथ सब्जेक्ट वाइज उसी फाइल में उसकी रूब्रिक्स भी लगी हो। रूब्रिक्स क्योंकि रूब्रिक्स की बेस पे आपने पेपर जो है वो असाज़ा इकराम ने चेक करने हैं तो फाइल में रूब्रिक्स भी मौजूद हो। फर्स्ट मैंने आपसे अर्ज किया कि डेट शीट होनी चाहिए, और सेकंड मैंने आपसे अर्ज किया कि जो आपने पेपर जनरेट किए हैं वो मास्टर फाइल्स आपने अपने पास जो है वो सेफ कस्टडी में रखनी है जहां से आपने फोटो कापी वगैरह करवाई होंगी, तो वो आपसे वो भी डिमांड करेंगे कि आपने जो रूब्रिक्स और आपकी मास्टर फाइल है वो जहां से आपने ये पेपर फोटो कापी करवाई है वो कहाँ पे है। इसी तरह से जब स्कूल में वो विजिट करेंगे तो जो बच्चे पेपर कर रहे होंगे तो वहां से मॉनिटरिंग टीमों ने जो ऊपर क्यूआर कोड है उसको बकायदा स्कैन किया जाना है, जिसमें आपके स्कूल से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है तो उसको भी वो देखेंगे। तो काइंडली अगर तो आपकी जो मास्टर फाइल है वो और जो आपका जो पेपर कंडक्ट हो रहा है वो अगर मैच कर जाते हैं और वो क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो इट्स ओके, मतलब ये कि डन, आपका विजिट जो है वो बहुत अच्छा रहा। इसी तरह से अगर मार्किंग हो रही है तो मार्किंग को भी आपने इंश्योर करना है कि मार्किंग जो है वो बकायदा जो ऑटो जनरेटेड जो आइटम बैंक से जो रूब्रिक्स और की जनरेट हुई है उसी के मुताबिक जो है वो की जा रही है। तो आप पार्ट वाइज जो है वो बकायदा रूब्रिक्स कर रहे हैं, आपने जो SOPs पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने जारी किए हैं उसी के मुताबिक जो है वो उसकी मार्किंग हो रही है। तो स्कूल एजुकेशन ने भी हदायत जारी की हुई हैं, तो आपने काइंडली जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने हदायत जारी की हैं, इसी तरह से जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हदायत जारी की हैं, आपने उन तमाम हदायत की रोशनी में मार्किंग जो है वो करनी है। तो आपने कोशिश यही करना है कि जो मॉनिटरिंग के लिए आने वाले अफसरान हैं आप उनके आने से पहले अपनी फाइलों को तैयार रखें ताकि सहूलत के साथ और आसानी के साथ बगैर किसी परेशानी के आप जो है वो मॉनिटरिंग अफसरान को अपने स्कूल का रिकॉर्ड जो है वो चेक करवा सकें। उम्मीद करता हूं कि जो मॉनिटरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप इसको तैयार कर लेंगे ताकि ये मॉनिटरिंग के दौरान जो है वो आपके लिए ताकि सहूलत और आसानी रहे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।